हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए लेके आया है एक पुरानी पार्क जो दुबई में है, आप सब लोगों को दिखाएंगे। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बोलने का नहीं। आइए हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे फर्स्ट ग्लास हाउस जो पुरानी पार्क के अंदर पहले आपको मिलेगा ग्लास हाउस। सो उसका साइड में पूरा गार्डन है, दिल भी गार्डन हो जाएगा आपको। उसके अंदर जाने के लिए हमको नॉल कार्ड काफ़ी है, 5 दिरहम का है, और इसमें नाम लिखा है जो पुराने पार्क में जो जिक्र है, नात्री का पेड़ पौधे का जिक्र है, उसमें सब कुछ लिखा है और इधर ओरिजिनल भी है सब कुछ। आइए आप लोगों को दिखाएंगे पेड़ पौधे सभी। पहले देखा है नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, तो फाइनली ओलिव ट्री भी है सामने, आप लोग को देखने को मिलेगा जैतून का पेड़। उसमें अभी जैतून नहीं लगा है क्योंकि अभी सीज़न भी नहीं है ना, तो उसका फ़ायदा भी है, सब कुछ लिखा रखा है उधर। कुकुम्बर है, बाद में आपको पम्पकिन है, और पोमोग्रेनेट भी है, पोमोग्रेनेट का ट्री भी है। बाद में हम लोग इधर सब कुछ फ़ायदे क्या क्या है उसका खाने से है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा से लेकर सब कुछ जितना फल और सब्जी का जिक्र किया है कुरान में, सब कुछ उन लोग बना के रखा है। थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल भी है तो ओरिजिनल भी है बहुत सारा, और सभी वो लोग देखने के लिए दिखाने के लिए उधर बना के रखा है ग्लास हाउस बना के। इतना खूबसूरत बना के रखा है ग्लास हाउस, उसके अंदर पूरा एसी डाल के। अभी आइए ऊपर, हम लोग जाएंगे ऊपर से आप लोगों का नज़ारा दिखाएंगे नीचे का। नीचे में पूरा ट्री का पौधे का पूरा पेड़ है, बाकी ऊपर आदमी लोग का डिस्प्ले डाल के रखा है उधर फल फ्रूट्स का, कि आपको कौन सा किसके बारे में जानना है सब कुछ है उधर। तो आप लोग इधर आके डाल के आप लोग उनका पढ़ाई कर सकते हैं किसका कौन सा फ़ायदा है। देखिए नीचे भी कितना खूबसूरत फ्लावर भी है, पूरा दरख्त पूरा ट्री हाउस है, पेड़ पौधे का हाउस है वो, जो कुरानिक पार्क मतलब जो कुरान में है जिक्र है उसी ट्री का और पेड़ पौधे का सब उधर है, वो लोग बना के रखा है दुबई में। तो आप लोग आइएगा दुबई, अगर आना है तो एक बार इधर घूमने के लिए ज़रूर आइएगा। तो चलिए हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे दूसरा एक जगह जो कैप बोल के है, बहुत बड़ा है वो, आर्टिफिशियल पहाड़ है सामने जो दिख रहा है वो आर्टिफिशियल पहाड़ है। और मूसा अलैहिस्सलाम जो पानी के अंदर से वो दुश्मनों के हाथ से बच के आया था, वो भी उधर बना के रखा है वो लोग आर्टिफिशियल। तो हर चीज़ मतलब वो लोग सहाबा से लेकर नबी सबका उसका डिटेल्स सब कुछ है उसके अंदर, आप लोग को उसके अंदर लेके जाएंगे। वो पहाड़ जो है ना वो आर्टिफिशियल पहाड़ है, उसके अंदर हम लोग जाने के लिए कोशिश करेंगे अभी। कितना खूबसूरत पार्क करेगा, बच्चा लोग भी लेके आएगा तो आराम से खेल सकते हैं इधर। चलो अभी हम लोग अंदर जाएंगे कैप के अंदर, आर्टिफिशियल पहाड़ है, इसके अंदर आपको दिखाएंगे सहाबा नबी जीसूस ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, सबका बारे में आप लोगों को पर उजैर अलैहिस्सलाम रिटर्न अलाइव, मूसा अलैहिस्सलाम मछली का, यूनुस अलैहिस्सलाम जो मच्छी के अंदर है था कितने है, उसका स्टोरी बताता है वो लोग, डिस्प्ले है वाल में डिस्प्ले डाल के रखा है, हर नबी का लोग स्टोरी बताता है कैसा था क्या था कैसे। देखिए आप लोग सामने पूरा डिस्प्ले में आप लोग को दिखने को मिलेगा वो लोग परफेक्ट, मूसा अलैहिस्सलाम का सबका डिस्प्ले है, सबके बारे में सबका लाइफ के बारे में उधर लिखा हुआ है। बहुत अच्छा जगह है, आप लोग कभी भी टाइम मिलेगा तो आके इधर एंजॉय कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा जगह भी है, साइलेंट है, हिंदू मुस्लिम बोलने के नहीं, कोई भी आके इधर आ सकता है घूमने के लिए, देख सकता है सब कुछ। सो आप लोगों को अगर कुछ माँ जानना है तो आप लोग मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना खूबसूरत डिस्प्ले डाल के वो लोग समझाता है, आदमी लोगों को दिखाता है ऐसा है वैसा है बोल के। देखिए कितना अच्छे से बना के रखा है, सभी लोग खड़ा है वहाँ उधर साइड में, खूबसूरत नज़ारा भी है जो कुरान में है उसके सहाबा नबी लोग के बारे में उसका लोग का जिक्र करता है इधर, कैसे कैसे था पहले का ज़माने का लाइफ सब कुछ इधर दिखाएगा। आप लोग भी आके एंजॉय कर सकते हैं और उसके बारे में जानने के लिए आप लोग आ सकते हैं इधर। पहाड़ के ऊपर भी देखिए हम लोग जाएंगे, अभी आर्टिफिशियल है ओरिजिनल पहाड़ नहीं है, लेकिन बहुत पैसा खर्चा करके दुबई में बना के दुबई गवर्नमेंट ने बना के रखा है ये सब,
और यह है कुरानिक पार्क का मेन गेट सामने से। हम लोग का अभी अंधेरा हो गया, फिर घर जाना है हम लोग को। देखिए कुरानिक पार्क इतना बड़ा पार्क है, हम लोग को घूमने के लिए 4-5 घंटा चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।